तो आज हम मौजूद है कुर्ला इसके नेहरू नगर में, जहां हम देख सकते हैं कि रोड पे किस तरह से पानी भरा है और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही है इस पानी की वजह से। तो आइए जानते हैं लोगों से उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही है। अंकल, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बारिश की वजह से रोड पे पानी भरा है और भी बहुत सारे रोड टूटे हुए भी है, तो इस वजह से आपको क्या तकलीफ हो रही है रिक्शा चलाने में? रिक्शा चलाने में तकलीफ हो रही है, एक तो गटर खुल जाती है, गटर की ढक्कन खुल जाती है और कुछ सामने आ जाते हैं रोड पे, कुछ मालूम नहीं पड़ता है पानी की वजह से। और अपना जब गाड़ी पानी में जाती है तो ब्रेक नहीं लगती है, ये सब प्रॉब्लम है, ये सब समस्या हम लोग का आता है। और क्या लोग आपके पास आ रहे हैं, मतलब धंधा अच्छा हो रहा है आपका? नहीं, धंधा किधर अच्छा हो रहा है, बारिश वजह में बैठाते ही नहीं कस्टमर को, कई तरह बैठाएगा, पानी भरा हुआ रहेगा। तो पूरे कुर्ला में इसी तरह पानी भरा है कि ऐसी कुछ ही रोड पे? कुर्ला चेंबूर पूरा भरा हुआ। मैम, तो क्या कुर्ला में हर साल इसी तरह पानी भरता है? अतिवृष्टि होती है तो पानी भरता ही है, क्योंकि मुंबई की रचना ही वैसे है कि पूरे चारों तरफ से पानी और बीच में बेट है मुंबई, ये तो हमें सभी को पता है। अभी काफ़ी घंटों से बारिश हो रही है, उसके अनुसार नाला भी भर गया है, नाली का पानी बाहर फेंका जा रहा है, तो उस अनुसार कई जगह पे पानी भरा हुआ है। मैं अपने विभाग में हर जगह पे घूम रही हूँ, देख रही हूँ, नागरिकों की समस्या जान रही हूँ। मेरे विभाग के सारे रास्ते सीसी सीमेंट कंक्रीट के कर दिए गए हैं 5 साल में। स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी सीसी का, ये सीसी कंक्रीट का कर दिया है। उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पानी, ज़्यादा देर तक पानी रुकेगा। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। मैम, तो जिन जगहों पे आपने बोला कि काम शुरू कर दिया गया है, तो वो काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सीसी रोड ऑलरेडी मेरे विभाग के सारे हो चुके हैं, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी सीसी सीमेंट कंक्रीट के कर दिए हैं, नाला जो सफाई भी अच्छी तरह से कर दी गई है। अभी जो पानी कुछ जमा हुआ है वो अतिवृष्टि है, हाई टाइड भी है, आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं हाई टाइड है, उसके अनुसार थोड़ा सा बहुत पानी जमा हुआ है। फिर भी इसके आगे भी ये पानी न जमा हुआ हो, इसका मेरा प्रयास रहेगा। मैम, तो आपका कहना है कि मतलब एक्सट्रीम लेवल तक कुर्ला तैयार है आने वाले बारिश के लिए? एकदम बराबर, जो भी अभी इस बारिश में जो समस्याएं हैं वो छुड़ाने की जरूरत मेरी कोशिश रहेगी। आंटी, तो बारिश की वजह से आपको क्या मुश्किलें हो रही है अपने धंधे में? धंधे में कस्टमर एक भी नहीं आ रहा है और बहुत, अभी सुबह से बैठ के अभी तक 10 रुपये का धंधा भी नहीं हुआ, और घर पे यहाँ से जाके घर पे जाके खाना पकाने का, फिर कपड़ा वपड़ा भी बहुत रहता है धोने का, और कस्टमर नहीं आते, धंधा पानी नहीं होता है, माल लाने को तकलीफ होता है, मराठी माल आनला तर गिराईक नाही, गिराईक नसलं पाऊस पडल्यामुळं गिराईक थांबत नाही, पाणी भरलं तर सगळे घराची धाव करतात, गिराईक अजिबात नाही घरात। आम्ही 12-13 जण आहे, 2 मुलं आहे आणि दोघांचे काम असंच, मेडिकलमध्ये असे कामं करायचे काय ते, याचे कामं नसते का, दुकानामध्ये जाऊन ते मालाचे विचारपूस काय पाहिजे का काय नाही ते काम करायचे, तर या पावसामुळं कामं पण गेले, लॉकडाऊनपासून कामाला नाही आहे, 12-13 जण ह्या धंद्यावर पोचते, 1,000-2,000 धंदा माल आणला 1,000-1,200 धंदा पण होत नाही, नुकसान खूप होतं आहे, तरी पण पोटासाठी एवढ्या पावसामध्ये बसावंच लागत आहे, आशा लई वाईट आहे ना माणसाची, अशामुळं आम्ही लोक बसतो, एखादं गिराईक आलं तर 10-5 रुपये भेटतील म्हणून। जैसा कि हमने देखा यहाँ की नगर सेविका अच्छे से काम तो कर रही है, बट क्या आपको कोई शिकायतें हैं उनसे? बिल्कुल नहीं है मैंने, क्योंकि बहुत सालों से एक्चुअली इस एरिया में रह चुका हूँ, मेरा बचपन यहाँ पे गया है, और उसके बाद में मैंने ये भी देखा है कि बहुत से नगर सेवक आए हैं, उन्होंने भी अच्छे काम किए, लेकिन इस तरह से नगर सेविका का जो अप्रोच है, जो लोगों में घुसना जाना और उस तरह से काम करना, ये बहुत ही, मतलब आई डोंट हैव एनी कंपैरिजन इन दिस लाइक, बिकॉज कैसा है कि एवरीबॉडी हैज़ इज ओन स्टाइल, लेकिन दिस नगर सेविका इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द वे जाके काम करती है। जैसे कि अभी आपने देखा फ्लड्स यहाँ पे हो गए, लो लाइन्स के एरिया है, लो लाइन्स के एरिया में इस तरह से आना काम करना, ये स्वाभाविक रूप से मेरे हिसाब से एक्चुअली ये मिसेस प्रवीणा मनीष मोरजकर ही कर सकती है, क्योंकि वी ऑलवेज लव टू सी हर एवरी टाइम एनी टाइम, जब भी कोई सिचुएशंस ऐसी आती हैं, फ्लड्स होते हैं, क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं, तो मिसेस प्रवीणा मोरजकर और मिस्टर मनीष मोरजकर जो उनके मिस्टर हैं, ये हमेशा फोरफ्रंट पे रहते हैं। अंकल, तो आपको आपके धंधे में क्या दुविधा हो रही है इस बारिश की वजह से? नहीं, कुछ नहीं, बारिश तो होती रहती है, और यहाँ के जो नगर सेविका है उनका काम बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ
336 नगर सेवक ने जितना काम नहीं किया उतना मैडम ने काम किया है, बहुत अच्छा काम। तो क्या हर बार बारिश के समय वो ऐसी देखने आती है कौन से एरिया में अफेक्ट हुआ है? कौन मैडम? हाँ मैडम तो सब जगह घूमते, हर जगह जगह पे जिधर पानी भरा है उधर घूमते और BMCO ऑफिसर के साथ में घूमते। ऐसा कोई नगर सेवक देखा नहीं अभी तो घूमते वक्त, क्या उन पहली बार मैडम को देखा है। तो इसी के साथ हमने देखा कि कैसे बारिश की शुरुआत होते ही कुल्ला पूरी तरह से भर चुका है, यहाँ के हर रोड पे पानी भर चुका है, कई रोड टूट भी चुके हैं जिसकी वजह से रिक्शा चालकों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो रही है, यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स का धंधा नहीं हो पा रहा है बारिश की वजह से, और यहाँ के आम लोगों को भी चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके बच्चों को स्कूल पहुँचाने में भी दुविधाएँ आ रही है। और देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम नेटवर्क। वीडियो जर्नलिस्ट साइली माने के साथ तमन्ना सिंह, प्राइम टाइम नेटवर्क।